चलिए बात करते हैं दोस्तों इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 2 के संडे स्पेशल के दौरान में किन किन कंटेस्टेंट का सिलेक्शन हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों कि आज का ऑडिशन राउंड लास्ट ऑडिशन राउंड था जिसमें कि कुल 11 कंटेस्टेंट को सेलेक्ट किया गया। बात करें अपने पहले कंटेस्टेंट की तो पहले कंटेस्टेंट रहे हार्दिक आवत, जिन्होंने कि अपने फैंटास्टिक मूव्स और प्यारी सी स्माइल से सबों को अपना दीवाना बना दिया। जितना जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया दोस्तों, इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद में हमारे सभी जजेस ने इन्हें एक साथ सेलेक्ट किया है और उन्होंने इनके परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हुई हैं। बात करें अपने दूसरे कंटेस्टेंट की तो वह थी मोहना श्रीवास्तव, जो कि एक बेली डांसर हैं। उन्होंने अपने ग्रेसफुल बेली डांस परफॉर्मेंस से मोहना ने मानो स्टेज पर आग सी लगा दी हो और सभी और साथ ही साथ कंपटीशन में लगा दिया है 4 चांद जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया। आपको बता दूं दोस्तों कि मोहना जो कि एक लॉ स्टूडेंट थी, बावजूद उसके उन्होंने डांस सेक्टर को सेलेक्ट किया और शादी के बाद में उनके हस्बैंड ने उनका पूरा साथ दिया है, जिसकी वजह से वह आज इस स्टेज पर पहुंच पाई हैं और इंडियाज बेस्ट डांसर के लिए सेलेक्ट भी हुई हैं। बात करें अपने तीसरे कंटेस्टेंट की तो शारदा गणेश मित्र मंडल की तरफ से हमारे तीनों जजेस का माइंड तो ब्लो हो ही गया। इनके परफॉर्मेंस में वो बात थी दोस्तों जिसको देखने के बाद में हमारे तीनों जजेस ने इन्हें सेलेक्ट किया है। बात करें अपने चौथे कंटेस्टेंट की तो वह कानपुर से हनी सिंह थे, जो कि बेसिकली वह बचपन से एक लड़के थे लेकिन बावजूद उसके वह ट्रांस वुमेन हो चुकी हैं और उसके बाद उन्होंने भी अपना जबरदस्त बेली डांस परफॉर्मेंस दिखाया है और हनी के परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमारे सभी जजेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। और हनी का यह मानना है दोस्तों कि वह सिर्फ यह चाहती हैं कि समाज उन्हें इसी रूप में एक्सेप्ट करे और उन्हें सम्मान दे। तो इस तरीके से हनी सिंह का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त था और उन्हें भी सेलेक्ट किया गया। बात करें अपने पांचवें कंटेस्टेंट की तो वह अहमदाबाद से अपेक्षा थी, जो कि जबरदस्त तरीके से भरतनाट्यम के साथ साथ में उन्होंने बॉलीवुड का तड़का लगाया। जब अपेक्षा ने जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ में परफॉर्मेंस करके दिखाया तो जजेस उनके परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और इनका परफॉर्मेंस भी लाजवाब था दोस्तों। वैसे बता दूं कि अपेक्षा साइंस बैकग्राउंड से हैं, जहां पर उनके पापा इसरो में इंजीनियर हैं, वहीं भाई उनके IIT खड़गपुर से हैं। बावजूद उसके इन्होंने भी साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर डांस को सेलेक्ट किया और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस इस तरीके से दिखाया जिसको देखने के बाद हमारे सभी जजेस ने उन्हें सेलेक्ट किया है दोस्तों। बात करें अपने छठे कंटेस्टेंट की तो वह थे टेंसर का भी दिल इन्होंने तो चूम ही लिया दोस्तों। अब बात करें अगले कंटेस्टेंट की तो कुल 5 अलग अलग और कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों, जिनका कि फुल प्रोमो तो नहीं दिखाया गया है लेकिन बावजूद उसके इन 5ों का अलग अलग सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से कुल 11 कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों। इसके साथ में ही ऑडिशन राउंड इंडियाज बेस्ट डांसर का समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीक में हमें दोस्तों देखने को मिलने वाला है महा ऑडिशन राउंड, जिसमें कि अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सबों का एक साथ परफॉर्मेंस देखा जाएगा और उसके बाद ही टॉप 12 सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में इन सभी टॉप 12 को बेस्ट कोरियोग्राफर दिया जाएगा, जिसके बाद इनकी जोड़ी की बनने के बाद में वह अलग अलग परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस तरीके से आज का जो यह एपिसोड था दोस्तों वह बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में ख़त्म हुआ। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आज जिन 6 कंटेस्टेंट और प्लस 5 कंटेस्टेंट अलग अलग का सिलेक्शन हुआ है उनमें से आपका सबसे बेस्ट कौन था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।